दोस्तों, मैं हर्षा गुंडला बेल्जो टीवी की तरफ से आपके सामने आज हनुमान चालीसा पेश करना चाहती हूँ। हनुमान चालीसा ये वर्ड हम सभी ने बहुत सुना है, पर एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत कम बताया जाता है। तो मैं शॉर्ट में पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि हनुमान चालीसा महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे और साथ साथ हनुमान जी को भी बहुत मानते थे। हनुमान चालीसा को, हनुमान तो हम समझे कि एक ईश्वर की मूर्ति है, पर चालीसा वर्ड कैसे रखा गया? चालीसा वर्ड इसके कारण रखा गया कि उसमें 40 छंद है, जिसके कारण उसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। अभी हनुमान चालीसा हम क्यों पढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि जब हम किसी भी बात से डरते हैं या अपना मन बहुत अशांत हो जाता है, भूत प्रेत उनको भगाने के लिए इस हनुमान चालीसा का छंद मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है या गाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करेंगे हनुमान चालीसा।